अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 500,000 जो भी आप मदद कर सकते हैं चैनल की पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है ईरान के जौहरी मामले को लेकर। जी हाँ, खबर आ रही है कि इसराइल के पीएम, इसराइली वजीर आजम ने यह दावा किया है कि ईरान जौहरी बम हासिल करने के करीब पहुंच गया है। इसराइली पीएम ने हफ्ते के रोज ये कहा है कि ईरान गैर मामूली शरह से यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान एटमी बम हासिल करने के करीब है, मगर दुनिया ने इस हवाले से अभी तक कोई सख्त मौकफ ईरान के खिलाफ अख्तियार नहीं किया है। जुमेरात को बैन अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से मंजूर किए गए फैसले के रिएक्शन में, रद्द अमल में, ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम के सरबरा मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि ईरान ने नए सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब करके उनमें यूरेनियम गैस डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी के रवैये के जवाब में मज़ीद इकदामात का ऐलान करेंगे। तहरान टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि IAEA का रवैया सियासी, पॉलिटिकल और बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी सरगर्मियों की निगरानी के लिए मखसूस शराइत के बुनियाद पर IAEA के मुआयना कारों को कबूल करेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने जुमेरात को बताया कि ईरान एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 27 मॉनिटरिंग कैमरे को अपनी जौहरी तंसीबात से अलग रखने का इरादा रखता है। यानी इसराइल तिलमिलाए हुए हैं ईरान के जौहरी बम को लेकर, और अब इसराइल के पीएम का यह दावा सामने आया है कि ईरान जौहरी बम बनाने, हासिल करने के करीब पहुंच गया है। ईरानी दूसरी बड़ी खबर आ रही है मराकश से। जी हाँ, मराकश में ब्रिटेन की एक बनाई गई फिल्म
पर पाबंदी आयत कर दी गई। उस फिल्म पर इल्ज़ाम है कि ये इस्लाम और तौहीन रिसालत पर मबनी बरतानवी फिल्म है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पर यह बनाई गई है। इस फिल्म का नाम खातून जन्नत रखा गया है। इस फिल्म पर तौहीन रसूल और तौहीन इस्लाम पर मबनी मवाद की वजह से पहले भी कई इस्लामिक कंट्रीज़ में पाबंदी लगाई जा चुकी है। मराकश ने ऐलान किया है कि इस फिल्म को मराकश में नुमाइश का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। आइए नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के हालात को हम लगातार आप तक पहुंचाते आए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर। जी हाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने वार्निंग देते हुए ये कहा है कि रशिया की नाकाबंदी से आलमी ग़िज़ाई बहरान जन्म ले सकता है, यानी पूरी दुनिया को इसका नुकसान पहुंच सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहरे अस्वद की बंदरगाहों पर रूस की जानिब से बहरी नाकाबंदी ख़त्म करवाने के लिए आलमी दबाव का डिमांड किया है, जिसके सबब यूक्रेन के अनाज की बरामदात रोकने से खुराक के आलमी बहरान का ख़तरा है। रूसी हमले से पहले यूक्रेन सूरजमुखी का तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और गंदम का एक बड़ा बरामद कुनिंदा था, लेकिन नाकामती की वजह से लाखों टन अनाज की बरामदात तातुल का शिकार हैं। अक्वामे मुत्तहदा और दीगर चंद मुल्कों से बरामदात को दोबारा बहाल करने की इजाज़त देने के लिए मैरीटाइम कॉरिडोर को खोलने पर जोर दे रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने तमाम मुल्कों से यह कहा है, अक्वामे मुत्तहदा से यह कहा है कि रशिया की नाकाबंदी को रोका जाए। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस में यूरोपीय अदालत के फैसलों पर दरआमद को रोक दिया, यानी उन्होंने शनिचर के दिन इस फैसले पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक के फैसलों पर रशिया में अमल नहीं किया जाएगा। पुतिन ने यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक के इन फैसलों पर अमल दरआमद रोक दिया है जो 15 मार्च के बाद मंजूर किए गए थे। आज इस वक्त दो बड़ी खबरें सऊदी अरब को लेकर आ रही। पहली बड़ी खबर आ रही है कि अमरीका के वजीर खारिजा ने यह कहा है कि दोनों मुल्कों के यानी अमेरिका और सऊदी दोनों मुल्क के ताल्लुकात शराकत दारी पर मबनी हैं। और जो बाइडन ने यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब से ताल्लुकात रवाबित बेहतर बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने जोर देकर यह बात कही है कि एक बहुत ही अहम रिश्ता और शराकत दारी पार्टनरशिप अमेरिका को सऊदी अरब के साथ जोड़ती है। इस शराकत दारी में दोनों मुल्कों का इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना और ईरान से निमटने के लिए मुश्तरक कोशिशें शामिल है। उन्होंने अपने प्रेस बयान में मजीद ये भी कहा कि यमन के बहरान के हल के लिए ममलकत सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात भी बहुत अहम हैं। अमरीकी वजीर खारिजा ने यह भी वाजे किया कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर फैसला किया है ताकि दोनों कंट्रीज के दरमियान मुश्तरक मफादात को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। उन्होंने यमन के ताल्लुक से ये कहा कि यमन अब एक हकीकी मगर कदरे नाजुक मसला है। यमन में देर पा अमन कायम करने का एक मौका मौजूद है। वहीं पर सऊदी अरब को लेकर दूसरी एक खबर यह भी आ रही है कि सऊदी वजीर तिजारत और कायम मुकाम वजीर इत्तला माजिद अल कस्बी ने मदीना मुनव्वरा में बैनुल अक्वामी नुमाइश का दौरा किया। मैं आपको बता दूं कि इस म्यूजियम का दौरा करते वक्त वजीर मौसूफ ने सीरत तय्यबा इस्लामी वर्से को महफूज करने की तारीफ की और इसे एक बड़ा कारनामा करार दिया। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि यह सारी काविशें कोशिशें विजन 2030 के सिलसिले की एक कड़ी है। मैं आपको बता दूं कि सीरत तय्यबा से मुतालिक कायम किया गया म्यूजियम मस्जिद नबवी से बिल्कुल लग कर है, मुत्तसिल है। ये 24 घंटे खुला रखा जाता है ताकि ज़ायरीन और शायकीन जब चाहें बआसानी
देखने के लिए यहाँ आ सके। नज़रें आखिरी बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि अमरीकी वफद ने इसराइल का दौरा किया, रामल्ला में फलस्तीन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। अमरीकी हुकाम के एक वफद ने दौरे इसराइल के दौरान फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट दफ्तर रामल्ला में फलस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल करना है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी वजीर खारजा के मुआविन बराए मशरक वस्ता उमूर के सरबराही में एक अमरीकी वफद ने रामल्ला में अमरीका फलस्तीन ताल्लुकात, फलस्तीनियों के लिए वाशिंगटन की इमदाद और ताल्लुकात के इस्तेकाम के बारे में तफसीली गुफ्तगु की। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।